बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है। ममता सरकार की दूरदर्शिता की कमी के कारण बंगाल के किसानों का नुकसान हो रहा है। उनके शब्दों में, मैं प्राकृतिक आपदाओं के लिए किसी राजनीतिक दल या सरकार को दोषी नहीं ठहराता, लेकिन फसल हटाने के लिए इसका प्रचार प्रसार पहले ही किया जाना चाहिए था। ऐसा पहले भी हो चुका है, इस बार ऐसा नहीं हुआ। नंदीग्राम से बीजेपी विधायक ने बंगाल में किसानों और बागवानों की समस्याओं को लेकर तृणमूल सरकार की अदूरदर्शिता को लेकर कई और शिकायतें की। उन्होंने दावा किया, केंद्र ने यूरिया खाद की बोरियों पर सब्सिडी दी है, लेकिन बंगाल के किसानों को वह लाभ नहीं मिल रहा है। इस दिन शुभेंदु को गोघाट घटना को लेकर जोरदार चेतावनी देते हुए सुना गया था। उन्होंने कहा, मैं गोघाट जा रहा हूं, मैं किसानों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले ओसी से माफी मांगूंगा। विपक्षी नेता पुलिस प्रशासन को संयम बरतने की चेतावनी भी देते सुने जा रही है। वही शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के उत्तर बंगाल दौरे के बारे में बात करते हैं और कहा, ममता उत्तर बंगाल में एक राज्य प्रायोजित शादी में जा रही हैं। एक पारिवारिक शादी में नीली बत्ती वाली कार चल रही है। शुभेंदु ने आगे आरोप लगाया कि ममता ने सिर्फ अपने चलने और बैडमिंटन खेलने के लिए भारी रकम खर्च करके उत्तरी बंगाल में एक गेस्ट हाउस बनाया है। वहां किसी मंत्री या विधायक को नहीं ठहराया जाता। विपक्षी दल के नेता के शब्दों में, मुख्यमंत्री केवल पहाड़ों में घूमने गए थे, ममता ने पहाड़ी पर 15 गेस्ट हाउस बनवाए हैं, उनके पास चाबी है। इसके बाद शुभेंदु का राज्य की जनता से सवाल है, वोट किसको मिला? कटाक्ष करते हुए कहा, मुख्यमंत्री द्वारा घोषित चाय सौंदर्य नकली सौंदर्य बनकर रह गई है। अभी होशियारी दीजिए ममता बंदोपाध्याय के, चोर ममता के समझौत करूँ अपना पुलिस देर। कृषक के धान ভারত সরকার ঘোষিত এমএসপি অনুযায়ী নিতে হবে। এক কেজি যদি এক কেজি 100 গ্রামও যদি ধানের বাটা কাটে কোন সমবায় সমিতি, ভারতীয় জনতা পার্টির এমএলএ এমপি মন্ডল সভাপতি এবং বিরোধী দলনেতাকে, আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আপনাদের আছে, আমার মেইল আইডি আছে, আমি ফেসবুকে একটু আগে আমার মেইল আইডিও দিয়েছি, আপনি সমবায় সমিতির নাম কিষাণ মন্ডির নাম দিয়ে দেখুন। আমরা বিধানসভা শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমরা বিধায়করা দুজন তিনজন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বকে নিয়ে কিষাণ মোর্চার নেতাদের নিয়ে আমরা স্পটে পৌঁছাবো গোটা রাজ্যে। এই ধ্বংসলীলা এবং চুরির খেলা থেকে আমরা বাংলাকে বাঁচাবো, কৃষকদের বাঁচাবো, এটা আমি আপনাদের কাছে বললাম। একটু আগে জ্যোতি মুখিয়া বলে কার্সিয়াঙ্গের একজন পোস্ট করেছেন, বিয়ে বাড়ির কনভয়তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীলবাতি লাগানো একাধিক গাড়ি তার ফটো ভিডিও দিয়ে আমি তাকে রিটুইট করেছি স্টেট স্পন্সর ওয়েডিং বলে। আমরা সব জানি সততার মুখোশ পরে ঘুরে বেরিয়ে পরিবারকে সরকারি পয়সায় যা খুশি করবেন, আমরা বসে বসে দেখবো না, আপনি এক টাকা বেতন নেন না। নাম্বার ব্যাংকের বুকিং করতে গিয়ে इस नंबर पर बुक करें 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।